हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। ये जानना जरूरी है, रीजन बिंग इससे आपको ये पता चलेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ड्यूटीज कैसे लगती है और गवर्नमेंट अपने लोकल लोगों को कैसे बचाते हैं, लोकल मीन्स लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि उनका बिजनेस भी बूस्ट करे। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, जैसे अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ना लास्ट 15 अगस्त के टाइम इंडियन लोगों ने 9 कंटेनर भर के फ्लैग्स मंगवाए थे, जो रास्ते पे ना 5-10 रुपीज़ में बिकते हैं। सो इंडियन फ्लैग हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता कि आपने बहुत टाइम पे देखा होगा कि रास्ते पे लोग नहीं ऐसे प्लास्टिक के खिलौने बेचते हैं, लाइक 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का, मतलब छोटे छोटे ऐसे चीज़ें बेचते हैं। तो एक लो ग्रेड होता है उस चीज़ का, तो हम खरीदते हैं चीप लेवल पे, राइट। तो इंडिया खरीदता है वो छोटी सा चीज़ें। तो बेसिकली चाइना क्या कर रहा है, एक प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कभी गलता नहीं है। तो चाइना अपना कंट्री का जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल है उसको टॉयज की शेप में या तो ऐसे छोटी छोटी शेप में प्लास्टिक इकट्ठा करके इंडिया को सेल करता है, ठीक। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कहता है कि यार प्लास्टिक है, प्लास्टिक कभी खराब होगा ही नहीं, तो वो अपने देश का कचरा चाइना इंडिया में सेल कर रहा है। सो इस चीज के बचाने के लिए तो इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर ड्यूटी लगाता है ना, लाइक 100% टैक्सेस, 200% टैक्सेस, ताकि सेव हो सके। अब दूसरी चीज कैसे आती है कि लोकल सप्लायर को कैसे बचा सकता है। सपोज करो एक टायर, कार का टायर इंडिया में बनता है 10,000 रुपीज़ का, फॉर एग्जाम्पल, एक टायर 10,000 में बन रहा है। तो चाइना क्या कहता है कि ये चीज़ मैं आपको सेम 5,000 में देता हूँ। सो ऑब्वियसली इंडिया के जितने भी इम्पोर्टर है वो चाइना से ही बाय करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है, ठीक है 5,000 में चार्ज करेगा, अगर आप यहाँ पे लाओगे तो मैं 100% ड्यूटी लगा दूंगा। इंडियन गवर्नमेंट बोलता है रीज़न, क्योंकि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर से उनका बिजनेस बच सके। तो इंडिया में अगर 10,000 का है, चाइना में 5,000 का है, तो एक लॉजिक ये बैठता है कि अगर आप 5,000 का खरीदोगे तो इंडिया में 100% ड्यूटी है, तो आपको जब ड्यूटी पे करने के बाद वो 10,000 का बन जाएगा, 5,000 परचेजिंग कॉस्ट और 5,000 आपका इम्पोर्ट ड्यूटी जो इनवॉइस का हो गया। ये होने के बाद आपके लोकल मतलब शिपिंग के चार्जेस वगैरह, आपका सीएचए के चार्जेस हो गया, शिपमेंट का चार्जेस हो गया आपका फ्रेट का। उसके बाद ड्यूटी भरने के बाद सपोज करो आप बॉम्बे से हो, गुजरात से हो, चेन्नई से हो, आपने जहाँ पे भी वो कंसाइनमेंट मंगवाया, तो पोर्ट से लेके आपके फैक्ट्री तक टायर का पहुँचने पहुँचने तक वो सारा कॉस्टिंग में करके आपके 15,000 तक पड़ जाएगा। सो ऑब्वियसली आप 15,000 का टायर क्यों खरीदोगे, तो आप इंडिया से खरीदोगे। अब ये क्वेश्चन मत करना कि चाइना में और भी सस्ते मिलते हैं, उसके पीछे लॉजिक है कि चाइना कभी चीप क्वालिटी नहीं बनाता है। ये पॉइंट समझना, चाइना कभी चीप क्वालिटी नहीं बनाता है। रीजन, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, वो एक 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 जैसे अभी एक चार्जर है, तो अगर आप उसको बोलोगे ना इसको इस चार्जर को ए ग्रेड का बनाना है, बी ग्रेड का बनाना है, सी ग्रेड का बनाना है, सो तो वो उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इंडियन लोग मेजोरिटी वही कि सस्ते के चक्कर में रह जाते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि चाइना के ऐसे बहुत चीज़ें हैं बहुत हाई क्वालिटी जो यूरोप में, यूएस में एक्सपोर्ट होता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, अपने लोकल सप्लायरों को बचाने के लिए और किसी भी कंट्री का ऐसे वेस्टेज मटेरियल इंडिया में ना ला सके तो इसके ऊपर ड्यूटीज लगाती है, दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चीज़ के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू सो मच।